जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जो आप देख रहे हैं शिक्षा खबर। इंतज़ार की घड़ी खत्म हो चुकी है। फाइनली स्टूडेंट कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं, सर कि मेरा करेक्शन नहीं हो रहा। तो इस वीडियो में जानेंगे कौन से स्टूडेंट करेक्शन कर सकते हैं, कौन से स्टूडेंट कॉलेज और ट्रेड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली देखिए कुछ स्टूडेंट जो करेक्शन कर रहे थे, ऑलरेडी अनलिमिटेड लिख कर आ रहा है। ठीक है, तो ये लोग जो है कि परेशान है कि सर ये क्यों लिख कर आ रहा है, सर मेरा करेक्शन क्यों नहीं रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि उन स्टूडेंट का करेक्शन होगा जो स्टूडेंट का फर्स्ट और सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। ठीक है, तो वो स्टूडेंट जो है कि फाइनली करेक्शन कर सकते हैं, उन्हीं लोग के लिए करेक्शन का जो ऑप्शन खुला हुआ है। और इसके पहले, करेक्शन करने से पहले, आप लोग यदि करेक्शन करना चाहते हैं, कौन से आई टी आई में कितनी जो कि सीटें खाली हैं, कौन से आई टी आई में कौन सा ट्रेड जो है कि कितनी खाली हैं, तो सबसे पहले करेक्शन करने से पहले आप लोग जो कि वीडियो को देख लीजिए जाकर। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं कि कौन से आईटीआई में कितनी सीटें खाली हैं, उसके बाद आप करेक्शन कर सकते हैं। यदि आप तीसरी मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं तो तीसरी मेरिट लिस्ट कब आएगी, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दिया हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लोग यदि इंतजार कर रहे हैं कि आईटीआई का न्यू फॉर्म कब आएगा, तो भी बहुत जल्द ही आने वाला है। इसका भी डेट जो है कि जारी बहुत जल्द होगा। जैसे करेक्शन का जो कि समाप्ति होगा तो आपका जो है कि न्यू फॉर्म आएगा। ठीक है, तो करेक्शन आप लोग समझ गए होंगे कौन स्टूडेंट करेंगे। करेक्शन वही स्टूडेंट करेंगे जिसका फर्स्ट और सेकंड में नाम नहीं आया है। करेक्शन जो है कि लिंक एक्टिवेट है, scbd.in पे जाएंगे तो आपके पास जो फर्स्ट खुल कर आ रहा है, सबसे फर्स्ट में ये लिंक, इसी पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते हुए आपको जो है कि सारा जो है कि इसमें किस तरह आपको करेक्शन करना, ट्रेड चेंज करना है, सब कुछ आपका जो है कि चेंज हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।